नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने चेहरे पर काले काले से धब्बे नजर आने लगते और इन धब्बों को हल्का करने में कुछ नुस्खे बड़े काम के साबित होते हैं। तो चेहरे पर काले धब्बे पड़ने के कई कारण हो सकते हैं, कभी धूल मिट्टी तो कभी गलत प्रोडक्ट को यूज करने की वजह से हमें इन काले धब्बों की परेशानी होने लगती है। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि इन धब्बों के गहरा होने से पहले ही इनसे छुटकारा पा लिया जाए। तो कुछ बेहद आसान से टिप्स और नुस्खे हैं जो इन धब्बों को दूर करने में कमाल का असर दिखाते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तुलसी के पत्तों में नीम के पत्तों को मिलाकर पेस्ट बना लिया जाए। इन्हें पीसकर एक पेस्ट बना लें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। अगर हम कुछ दिनों तक ऐसा लगातार करते हैं तो चेहरे पर निखार आता है और ये चेहरे पर पड़ने वाले दाग धब्बों की दिक्कत भी दूर होती है। और इसके लिए सेकंड टिप ये है कि दही में नींबू का रस मिलाकर अगर चेहरे पर लगाया जाए, इससे भी हमें दाग धब्बों जैसी परेशानी से छुटकारा मिलता है, क्योंकि दही और नींबू दोनों में ही ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो हमारी स्किन का कलर भी सुधारते हैं और स्किन पर होने वाले दाग धब्बों से छुटकारा दिलाते हैं। और अगर आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार अपने चेहरे पर लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको दाग धब्बों से छुटकारा तो मिलेगा ही, साथ में मिलेगी एक गोरी निखरी त्वचा। और इसके अलावा है एलोवेरा जेल, जिसके गुणों के बारे में कौन नहीं जानता। इसे स्किन पर होने वाली कई दिक्कतों के लिए हम यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल को स्किन पर होने वाली कई दिक्कतों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अगर हम अपने चेहरे पर लगाते हैं तो हमारी स्किन तो मॉइस्चराइज होगी ही और हमारे स्किन में एक निखार आएगा, एक चमक आएगी। इसे आप रोजाना अपने चेहरे पर लगाएं और कुछ ही दिनों में आपको दाग धब्बों की दिक्कत से छुटकारा मिलेगा। और इसके अलावा एक और इफेक्टिव सा इंग्रेडिएंट है और इसका नाम है छाछ। इसे अपने फेस पर लगाएं और करीब 15 से 20 मिनट तक यूं ही लगा रहने दें और इसके बाद आप अपने फेस को सादे पानी से वॉश कर लें और कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि स्किन पर होने वाले दाग धब्बे तो गायब हो ही गए हैं, साथ में आपका चेहरा भी ग्लो करने लगा है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आसान से ट्रिक एंड टिप्स। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।